क्या आप लोग को पता है कि आप GTA 5 के अंदर माइकल की भटकती हुई आत्मा को देख सकते हो। अगर आपने GTA 5 के सारे मिशन कर रखे हो तो आपको ये तो याद ही होगा कि एक मिशन में माइकल ऊपर से गिर के मर गया था। जैसे ही आप माइकल के घर के बाहर पहुंचोगे तो वहाँ पे फॉर सेल का बोर्ड लगा होगा और मेन डोर बंद होगा, तो आपको उसके घर के अंदर आने के लिए इस दूसरे वाले गेट के ऊपर से टाप के जाना पड़ेगा। जब आप माइकल के घर के अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे अंदर जाने वाला दरवाजा भी बंद होगा, तो आपको अंदर जाने के लिए पहले यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से आप देखोगे कि ऊपर की खिड़की खुली हुई है, फिर यहाँ पे चढ़ के उस खिड़की से आप घर के अंदर एंटर हो सकते हो। जब आप घर के अंदर एंटर हो जाओगे तो सामने आप देखोगे कि माइकल की फोटो लगी हुई होगी। फिर जब सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो यहाँ पे माइकल की फैमिली आपस में बात कर रही होगी, फिर वो सब पता नहीं किस काम के लिए एक साथ चले जाएंगे। फिर जब सीढ़ियां उतर के नीचे पहुंचे तो गैराज के अंदर जाने का गेट खोलोगे तो आप अंदर जाके देखोगे माइकल की वाइफ, बेटी और बेटा माइकल की कब्र के पास में बैठ के कुछ काला जादू सा कर रहे हैं। फिर आपको बहुत जोरों से ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आएगी। जैसे ही आप टॉयलेट में जाओगे तो आपको माइकल की आत्मा खिड़की के बाहर भागती हुई दिखेगी। फिर आप खिड़की कूद के बाहर जाओगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा, तो अचानक माइकल की आत्मा अपीयर हो जाएगी और आप पता नहीं कैसे हवा में उड़ने लग जाओगे और वहीं ऊपर से गिर के नीचे मर जाओगे।